दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। घुटनों का दर्द है, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया, संधिवात, इसकी बहुत अच्छी दवा है मेथी हल्दी सौंठ। मेथी ले लो 100 ग्राम, हल्दी ले लो 100 ग्राम और सौंठ ले लो 100 ग्राम। तीनों को पत्थर में पीस लो, पीस के बना लो पाउडर। हल्दी तो किसी भी आ जाती है, सौंठ और मेथी पीस लो। अब इसको पीस के कैसे, अब इसको खाने कैसे, एक चम्मच दवा खानी है सुबह डाल ले देकर नाश्ता करने से घंटे भर पहले। हाथ में लगातार 3 महीने ले लो, गठिया बिल्कुल ठीक है, चेहरा भी सब कैसे ठीक। और एक दवा वो भी बहुत अच्छी है गठिया के लिए, संधिवात। तो दूसरी दवा है हार श्रृंगार के पत्ते। हार श्रृंगार एक पेड़ होगा जिसको परिजात भी कहते हैं। इस पेड़ को पहचानना बहुत आसान है, इस पे सफेद रंग के छोटे छोटे फूल लगते हैं और फूल में खुशबू बहुत होती है और फूल की डंडी हमेशा नारंगी रंग की, लाल रंग की रहती है, केसरिया रंग की। और फूल सवेरे सवेरे एकदम जमीन पे पड़े हुए मिलेंगे, रात को फूल खिलेंगे और सवेरे जमीन पे गिर जाएंगे। ये पेड़ है हारसी है, इसके 5 पत्ते ले, 5, और 5ों पत्ते पीस के बनाना चटनी। और जितनी चटनी बनी, करीब 1/2 चम्मच करीब चटनी बनेगी 5 पत्ते की, उसको 1 गिलास पानी में डाल के और खूब गर्म करना, इतना गर्म कर देना कि पानी आधा हो जाए और फिर इसको ठंडा कर लेना और ठंडा करके पी लेना और सवेरे खाली पेट पीना। तो जिनको 20-20 साल से गठिया की बीमारी है 2 महीने में ही ठीक हो जाती है। बहुत अच्छी दवा, और मैंने लिखा इससे और एक बड़ी बीमारी ठीक होती है, जब किसी के घुटने घिस जाते हैं बुढ़ापे में और डॉक्टर कहता है नहीं घुटने लगाओ, तो कोई जरूरत नहीं, ये हार श्रृंगार के पत्ते का काढ़ा पियो, पुराने घुटने ही काम आना शुरू हो जाते। तरीका वही है, 5 पत्ते तोड़ो, पत्थर में पीसो, चटनी बनाओ, 1 गिलास पानी में खूब गर्म करो, पानी आधा हो जाए। बुढ़ापे के लोग, मैंने बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग जिनको बहुत तकलीफ होती है चलने में क्योंकि घुटने का दर्द, कमर, उनको सबसे अच्छी दवा। दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें, और हाँ, हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।